वेलकम टू नम्मा बेंगलुरु। जब श्री केम्पेगौड़ा जी ने 16वीं सदी में इस शहर की स्थापना की थी, तभी उनके माता जी ने अपने आशीर्वाद के साथ दो ही चीजें अपने बेटे से कही, झीले बनाओ और पेड़ पौधे लगाओ। और श्री केम्पेगौड़ा जी ने वही किया और इसीलिए बेंगलुरु को आज भी गार्डन सिटी के नाम से इंडिया में जाना जाता है। और पिछले दशक में ये उसके साथ साथ भारत का स्टार्टअप कैपिटल और सिलिकॉन वैली के नाम से भी मशहूर हो गया है। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत शहर को आज एक्सप्लोर करने, यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस, कल्चर, थोड़ी सी ट्रैफिक और ढेर सारे यम्मी फूड के साथ। तो रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लैंड होने के बाद आपको सिटी सेंटर जाना है, तो आपको बस पकड़नी पड़ेगी। गूगल मैप पे आप डालोगे, जैसे एयरपोर्ट से बाहर जाओगे तो सिटी लाइन जो भी है वहाँ पे पूछोगे तो आपको गाइड कर देंगे। 240 रुपीज़ के आसपास लग जाता है सिटी सेंटर जाने। तो चलिए वो बस पकड़ने की देखते हैं। गए कुछ सालों में बेंगलोर में एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है बिकॉज ऑफ दी आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा एट ऑल आवर्स ऑफ द डे। तो अगर आपको किधर भी घूमने फिरने जाना है एज अ टूरिस्ट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक टू व्हीलर रेंट पे ले लीजिए। वहां पे आपको रेंटल एनीवेयर बिटवीन 400 टू 800 रुपीस पड़ जाता है दिन का, और बहुत सारी कंपनीज है जो आपको वहां पे बाइक रेंट पे देती है। इसके अलावा अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है, जैसे ऑटो रिक्शास, ओला या उबर, उसके फेयर्स आपको थोड़े महंगे पड़ जाएंगे। कभी कभी आपको बार्गेन करना पड़ेगा या आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा मेट्रो और बस की कनेक्टिविटी भी है, पर एज अ टूरिस्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी जगह वो नहीं पहुँचाएगी। इसके लिए टू व्हीलर आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। तो ये वाली जो स्टॉप है ना, बैंगलोर को परहैप्स बेस्ट डिस्क्राइब करती है एज अ गार्डन सिटी। लालबाग गार्डन शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा ह्यूज गार्डन है, जहाँ पे आपको ढेर सारे ट्रीज, बहुत सारे फ्लावर्स और एक ग्रीन हाउस एज वेल एज एक हिल मिलेगा। सो जब भी कोई भी बैंगलोर के आप ट्रिप पे आते हो ना, लालबाग पार्क एंड कबन पार्क आए बिना ना ये ट्रिप पूरी हो ही नहीं सकती। एंड ये इतनी ब्यूटीफुल पार्क है कि एक्सप्लोर करते करते आपका एक डेढ़ घंटा आराम से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं और बैंगलोर की वेदर को एंजॉय करते हैं। चलिए लालबाग या कबन पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि बैंगलोर की वन ऑफ दी मोस्ट आइकॉनिक ईटरीज या ब्रेकफास्ट स्पॉट्स पर चले जाइए, जिसका नाम है MTR यानी मावली टिफिन रूम। इसके बहुत सारे आउटलेट्स आपको मिलेंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल वाले आउटलेट पे ही जाइए। यहाँ पे ये एकदम ही ओल्ड स्कूल जगह है और यहाँ की मेन्यू बहुत लिमिटेड जरूर है, बट द फूड इज रियली टेस्टी। और उधर जब जाएंगे वहाँ का फेमस मसाला डोसा या घी पोड़ी डोसा, उसके साथ में वहाँ की फिल्टर कॉफी एंजॉय करने भूलिए मत। बहुत ही अमेजिंग है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बैंगलोर की कोई भी ट्रिप इसके बिना आपकी शुरू ही नहीं हो सकती। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी विधानसभा यानी स्टेट असेंबली की बिल्डिंग कर्नाटक की विधानसौधा है? इतनी बड़ी और ग्रैंड असेंबली बिल्डिंग आज के जमाने के कोई राजा या महाराजा के महल से कम नहीं। हालांकि अंदर जाने कोई काम और अपॉइंटमेंट के बिना अलाउड नहीं है, पर बाहर से इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग की फोटो लेना एब्सोल्युटली फ्री है। बेंगलुरु की हिस्ट्री में अगर श्री केम्पेगौड़ा जी के बाद किसी को याद किया जाता है तो वो है टीपू सुल्तान। इन्होंने कई साल तक इधर राज किया और अंग्रेजों का भी जम के यहाँ पे लड़ाई भी की। उनके काल में बनाया गया था टीपू सुल्तान का ये समर पैलेस, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1791 में पूरी हुई थी। ये एक बहुत ही सुंदर टीक यानी साग के लकड़े से बना हुआ महल है। इधर टीपू सुल्तान अपना दरबार रखते थे और आज के समय में आप केवल 20 रुपए में इसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके साथ में ग्राउंड फ्लोर में एक म्यूजियम भी बनाया गया है टीपू सुल्तान के बारे में, तो उसे भी विजिट करने भूलिए मत। और अगर आप चाहे तो वहां से बेंगलुरु फोर्ट भी विजिट करने जा सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं लेके चलता हूं बेंगलुरु की दो बहुत ही यूनिक और मशहूर मंदिरों में। सबसे पहले आता है बिग बुल टेम्पल या नंदी मंदिर। ये मंदिर अपने एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई 15 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी नंदी बैल, जो 16वीं सदी में बनाई गई थी, उसके लिए मशहूर है।
ये दुनिया की सेकेंड बड़ी नंदी बैल की मूर्ति है और इस मंदिर में बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। वही मंदिर कॉम्प्लेक्स से जुड़कर है डोडा गणेशा मंदिर। ये एक गणेश जी का मंदिर है, पर इसकी खासियत यह है कि यहाँ की गणेश जी की मूर्ति जो है मक्खन यानी बटर से बनाई जाती है। जी हाँ, मक्खन से। और हर 4 साल में यही मक्खन की मूर्ति जो है इसका पूरा 110 किलो आने वाले दर्शन करने वाले लोगों में बांटा जाता है और फिर से एक नया गणेश जी का मूर्ति बनाया जाता है इसी तरह मक्खन से। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ये पूरे 4 साल में ये मूर्ति एक बार भी जो मक्खन से बनी है ना पिघलती है ना रूप बदलती है। अगर आपको नॉनवेज खाना खाने का शौक है तो आपको बैंगलोर में ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे और आपको हर जगह पे छोटे बड़े मिलिट्री होटल्स बहुत सारे मिलेंगे। मिलिट्री होटल्स एकदम ही बजट फ्रेंडली होटल रहते हैं और ये बैंगलोर की आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। वैसे एक बहुत ही बढ़िया मिलिट्री होटल का नाम है रांगना मिलिट्री होटल और यहाँ की मटन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए। बैंगलोर इंडिया का आईटी हब होने के साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रिसर्च हब है। आपको वहाँ पे HAL से लेके इसरो इनकी सारी ऑफिसेज बहुत सारे जगहों पे दिखाई देगी। वैसे ही आप विश्वेश्वरा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में भी जाके विजिट कर सकते हो। ये एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पे आपको ढेर सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में छोटी बड़ी फैक्ट सीखने मिलेगी। चाहे आपको रॉकेट्स हो, चाहे आपको साउंड कैसा ट्रैवल होता हो, आपको रोबोटिक्स, एरोनॉटिक्स, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। और वही नहीं, बड़े हो बच्चे हो सबको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको फैसिनेट कर देगी। इसकी एंट्री फीस उनकी 85 रुपीज़ है और ये बैंगलोर के सिटी सेंटर में ही है, तो आपको मैं यहाँ पे भी बच्चों के साथ एटलीस्ट जाने एडवाइस करूँगा। बैंगलोर में आपको एक यूनिक चीज़ देखना हो तो आप वहाँ पे जो है वहाँ की सिल्क साड़ीज़ कैसी बनती है उसके फैक्ट्रीज में भी आप देख सकते हो और होलसेल में जाके वहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको सैंडलवुड ऑयल और सैंडलवुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत सारे उधर अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। बैंगलोर में वैसे तो बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, पर एक यूनिक मंदिर जो है वो है वहाँ का इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मंदिरों की खासियत ये रहती है कि ये मंदिर पुराने ट्रेडिशंस एज वेल एज मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिलन करके एक बहुत ही बढ़िया मंदिर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बैंगलोर का इस्कॉन टेम्पल कोई अलग नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे इसको देख के ऐसा लगा कि ये कोई एक IT ऑफिस एज वेल एज मंदिर का दोनों का मिलन हो रहा है। आफ्टर ऑल वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इज गॉड एज वेल। तो यहाँ पे अंदर आप जाओगे तो आपको ढेर सारे अलग अलग ईटिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे, बहुत ही हाइजीनिक और वेल प्राइज्ड रहते हैं। इसके साथ साथ में इस्कॉन टेम्पल में आपको ढेर सारे रीडिंग मटेरियल्स एज वेल एज और भी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हो। तो आप जब बैंगलोर में आते हो इस्कॉन टेम्पल में ज़रूर विजिट कीजिए। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा रिसेंटली एक ऐसा रेस्टोरेंट है बैंगलोर में वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। उसका नाम है रामेश्वरम कैफे। इसकी स्टोरी ये है कि ये एक बहुत ही छोटे जगह से शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा रश रहता है और हमेशा यहाँ पे ना लोगों की लाइन लगी रहती है। और यहाँ पे जो है हम जो छोटे वाले आउटलेट पे गए थे वहाँ पे सेल्फ सर्विस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं थी और भीड़ देखिए कितनी थी, पर इट वॉज टोटली वर्थ इट। यहाँ का जो डोसा था, उत्तपा था, कॉफ़ी थी, बहुत ही यमी थी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंगलोर जा रहे हो तो रामेश्वरम कैफे के कोई भी आउटलेट पे जाके उसे ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको बैंगलोर की आइकॉनिक नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप MG रोड, जया नगर, इंदिरा नगर, ये सारे जगहों पे जाके आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के पब्स, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप गूगल पे या जोमेटो पे आपके लाइकिंग के हिसाब से जगह बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बैंगलोर के आसपास के भी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसमें सबसे जो पॉपुलर जगह है वहाँ से जाने के लिए है मैसूर। मैसूर आप 2 से 3 घंटे में बाय रोड या ट्रेन पहुँच सकते हो और इसका पूरा जो है व्लॉग मैंने अपने चैनल पर बनाया सिमिलर फैशन में। आप पूरा जो है ट्रिप उसको देख के आराम से प्लान कर सकते हो विद बजट। तो ये था सारा वीडियो गाइस बैंगलोर के एक्सप्लोरेशन का इन द 48 आवर्स दैट आई हैड। अगर आपको ऐसा ही कुछ प्लान करना है तो अभी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया कि आप
क्या क्या देख सकते हैं बैंगलोर में, कैसे पहुंच सकते हैं, एंट्री फीस क्या है, खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, कौन कौन से जगह जाने चाहिए और मोर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। और अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।